राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संघ, जो अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन होने का दावा करता है, वह असल में देश के लिए सबसे खतरनाक संगठन है। अगर ये लोग इतने ही बड़े राष्ट्रभक्त हैं, तो इन्होंने उस व्यक्ति को क्यों जान से मार दिया जिस व्यक्ति को देश ने अपना राष्ट्रपिता माना था? रास्ते गुफ्तार चैनल पर आपका स्वागत है। बंटवारे के वक्त जब पंजाब और बंगाल बुरी तरह जल रहे थे, दोनों ही तरफ के लोग एक दूसरे को मार रहे थे, उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने अपनी पूरी ताकत और फौज पंजाब में लगा दी। फिर भी पंजाब और उसके आसपास के इलाके माउंटबेटन से नहीं संभल रहे थे। उस वक्त माउंटबेटन भागे भागे महात्मा गांधी के पास गए और गांधी से कहा, मैंने अपनी पूरी फौज पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में लगा दी है और बंगाल में चल रहे दंगे फसाद को रोकने के लिए मेरे पास कोई रिजर्व फोर्स नहीं है। उस वक्त महात्मा गांधी ने बंगाल के उन इलाकों का दौरा किया जहां सबसे ज़्यादा दंगों से नुकसान हुआ था। दोनों ही मजहब के लोगों ने उस वक्त हथियार डाल दिए जब अपने बीच महात्मा गांधी को पाया। ज़रा सोचिए दोस्तों, एक तरफ देश का वो हिस्सा जहां लाखों की तादाद में फौज मौजूद है, लेकिन फिर भी वो इलाका उनसे नहीं संभल रहा, और दूसरी तरफ एक अकेले आदमी के गांव गांव घूमने से सारे फसाद की आग ठंडी पड़ गई। ऐसे शख्स को उस देश के लोगों ने ही मार दिया और उस शख्स का नाम था नाथूराम गोडसे, आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी। आरएसएस भाजपा की विचारधारा आज़ादी के नायकों के प्रति शुरू से ही घृणापूर्ण है। उनके कई कृत्यों से ये सामने आ चुका है। आरएसएस के सदस्य रह चुके नाथूराम गोडसे की मैगजीन अग्रणी में इस कार्टून को प्रकाशित किया गया था। इस कार्टून में हमारे आज़ादी के नायकों महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेहरू जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद आदि को रावण के 10 सिरों के रूप में दिखाया गया है, और आरएसएस भाजपा के नायक सावरकर व श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामने से उनको तीर मारते दिखाए गए हैं। आरएसएस की ही विचारधारा से प्रभावित नाथूराम गोडसे ने साजिश कर आखिरकार 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को शहीद कर दिया। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि उस आतंकवादी की लोग निंदा तक नहीं करते, बल्कि आज बापू की शहादत के कई सालों बाद उस आतंकवादी को लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और आज के भारत का सिस्टम इन लोगों से सवाल पूछने से भी डर रहा है, जिन्हें असल में इनकी काली करतूतों के लिए सलाखों के पीछे होना चाहिए था। दोस्तों, इन लोगों ने देश के खिलाफ ऐसे गलत काम किए हैं कि उन्हें एक वीडियो में बता पाना मुश्किल है। आरएसएस से जुड़े कुछ और वीडियो हम आपके सामने पार्ट वाइज लाने की कोशिश करेंगे। आरएसएस से जुड़े इन सभी वीडियोस का सोर्स हम इस सीरीज के आखिरी वीडियो में बताएंगे, ताकि वो आप खुद भी पढ़ सके और दूसरों को जागरूक भी कर सके। अगर आप मुगल इतिहास को जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप मुसलमानों की दर्द भरी दास्तान एक हिंदू कवि के द्वारा सुनना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।